हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैंगो स्टफ्ड आइसक्रीम। सो सबसे पहले मैंगो स्टफ आइसक्रीम बनाने के लिए हमें, आप एक कढ़ाई लीजिए या कोई भी आप पतीला लीजिए खुला, उसमें हम लेंगे फुल क्रीम मिल्क, फुल फैट दूध लेना है आपको। एंड मैंने ये एक लीटर लिया है और उसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो अभी देखिए मेरा मिल्क बॉयल हो चुका है अच्छे से मिल्क, तो हम इसको सिम कर देंगे गैस को एंड मिल्क को पकने देंगे। जब तक ये आधा नहीं हो जाता है तब तक हम इसको पकने देंगे एंड साइड से इस तरह से इसको चलाते रहेंगे, जो साइड में इसकी मलाई जम जाती है उसको निकाल देंगे। तो अभी मैं मैंगो ले रही हूँ, मैंने दशहरू मैंगो लिए हैं, तो ऊपर से इसकी हल्की सी इस तरह से टोपी निकाल देंगे एंड फिर आप नाइफ़ ले लीजिए या स्पून ले लीजिए, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम इसको लूज़ करेंगे। गुठली को नीचे तक हमें गुठली को चारों तरफ से लूज़ करना है ताकि वो इजीली बाहर आ जाए। हमें मैंगो को कट नहीं करना है, सिर्फ हमें गुठली को लूज़ करना है। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, मैंगो हमारा फटना नहीं चाहिए। एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली गुठली को लूज़ कीजिए ताकि हमारा मैंगो बिल्कुल भी फटे नहीं। ओके, देखिए एकदम आराम से धीरे धीरे कीजिए। अगर मैंगो फट जाएगा तो आपकी आइसक्रीम जब हम इसके अंदर डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगी। सो बहुत ध्यान से कीजिए, आराम से हो जाएगा। बस धीरे धीरे आप स्पून से भी कर सकते हो या फिर आप नाइफ़ से भी कर सकते हो। देखिए कितने आराम से हो गया। तो इस तरीके से घुमा के आप गुठली को बाहर निकाल लीजिए, या फिर वो होता है ना पकड़ने वाला प्लकर जिससे हम गर्म बर्तन को पकड़ते हैं, आप उससे भी गुठली को बाहर खींच सकते हैं। सो एक ग्लास में हम इसको रख लेंगे और गुठली में जितना भी एक्स्ट्रा गुद्दा है मैंगो का वो सब हम इसी मैंगो में वापस डाल देंगे। गुठली को एकदम क्लीन कर देंगे। इसके बाद इसकी टोपी इसके ऊपर रख दीजिए। मैं 4 मैंगो की आइसक्रीम बना रही हूँ, आप एक की बनाना चाहे एक की बनाइए, 2 की, 4 की, जितनी भी आपको ज़रूरत है। और अभी इन्हीं खाली मैंगो को, इन 4 की मैंने गुठलियाँ निकाल दी है, अब हम इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। अभी हमने इनमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इनकी गुठलियाँ निकाली हैं और मैं इनको 2 मिनट थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ। अब हम चीनी लेंगे। हमारा मिल्क देखिए हो चुका है, आधे से भी कम हो चुका है, तो इसमें मैंने शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कीजिए और थोड़ा सा इसको चला दीजिए। देखिए हमने 1 लीटर लिया था और हमने इसको इतनी क्वांटिटी में हाफ़ कर लिया है। साइड से सारा मैंने निकाल लिया है इसमें। अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखिए अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो चुका है, कितना इसका गाढ़ा भी हो गया है ये। तो अब हम इसको अपने मैंगोज़ में फिल करेंगे। तो चलिए देखिए मैंने मैंगोज़ बाहर निकाल लिए फ्रीज़र से, ये हार्ड हो चुके हैं अच्छे से, तो हम इसके अंदर अपना ये आइसक्रीम फिल करेंगे। तो स्पून से आप धीरे धीरे आराम आराम से अपने मैंगोज़ में आइसक्रीम को फिल कर दीजिए। ध्यान से गिरिए, बाहर नहीं गिरे, आराम आराम से हम इसको फिल कर देंगे। ऊपर से हम इसमें 1 स्पून जितना जगह रखेंगे, पूरा आपको टॉप तक मैंगो फिल नहीं करना है, थोड़ी सी इसमें जगह हम बचा के रखेंगे 1 स्पून जितनी। ओके, सो इसी तरह से हम अपने 4 मैंगोस को फिल कर लेंगे। जितने भी मैंगोस आपने बनाए हैं सारे आइसक्रीम से इस तरह से फिल कर लीजिए। फिर हम इसको इसकी फिल हो गया अच्छे से, अब हम इसको इसकी कैप से इसको कवर कर देंगे वापस। ये देखिए ये टोपी हमने इसकी वापस लगा दी है, इस तरह से हम इसको वापस लगा देंगे। ऐसे ही मैंने 4 मैंगो फिल करके उनकी टोपी लगा दी है। हम इसको फ्रीजर में रख देंगे 8 आवर्स के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। सो देखिए अगले दिन मैंने इनको बाहर निकाला और ये अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं, बहुत ही ठंडे और अच्छे से हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है। अब हम इनको छीलेंगे, एक एक मैंगो को हम इनका छिलका चक्कू से उतार लेंगे। ये बहुत ही ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, मुझसे पकड़े भी नहीं जा रहे हैं हाथ में। तो आराम आराम से हम इनको छील देंगे, पूरा छिलका हम मैंगो का निकाल देंगे अच्छे से।
देखिए अब मैंने इसको छील दिया है, अब हम इसकी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। बहुत ठंडे हैं एंड बहुत ही टेस्टी हैं, जितने ये देखने में यमी लग रहा है उतना ही खाने में भी यमी है। तो ये मैं मैंगो को इस तरह से कट कर लूँगी एंड ये देखिए हमने इसे स्लाइसेस कट कर लिया एंड ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।